हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम आपको पबजी मोबाइल लाइट की कुछ रेयर आइटम के बारे में बताएंगे। तो भाई, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भाई, ये ऐसी आइटम है कि आपको मैच में भाई हर हालत में चाहिए होंगी, और इन अगर आपके पास ये आइटम हो तो आप बंदे को इजीली नॉक कर सकते हो या फिनिश कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो भाई, करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। और हाँ भाई, जो आइटम भाई 10 पे है वो कम रेयर होंगी, और जैसे जैसे उनके लेवल कम होते जाएंगे तो वो ज़्यादा रेयर होती जाएंगी। तो भाई, नंबर 10 पे हमारे पास है यहाँ पे 4X स्कोप। तो भाई, 4X स्कोप भी एक रेयर आइटम है, अगर आपको नहीं पता तो। तो भाई, 4X स्कोप भी हमें भाई बहुत ही वैसे तो यार इजीली मिल जाता है यार, ये कभी कभी बंदों के पास से मिल जाता है और कभी तो भाई ऐसे ही मिल जाता है हमें। तो यार, ये भी अच्छा स्कोप है यार, इसको हम स्नाइपर पे भी और स्प्रे में भी जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। और भाई, नंबर 9 पे आता है हमारा यहाँ पे स्नाइपर का सप्रेसर। तो भाई, ये तो भाई जो बंदे स्नाइपिंग करते हैं तो उनके लिए तो भाई उनसे पूछना है क्या चीज़ होता है, तो इससे कैसी कैसी चलती है भाई आवाज़, क्या खतरनाक आ जाती है और बंदे को पता भी नहीं चलता। तो भाई, ये भी एक रेयर आइटम है और भाई बहुत ही मुश्किल से मिलता है ये, तो इसको भी आप बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है यार, उठा लिया करो स्नाइपिंग करते हो जो वैसे तो उठा लेते हैं। तो भाई, नंबर 8 पे हमारे पास आती है यहाँ पे भाई लेवल 3 की बेस्ट। तो भाई, बहुत से बंदे कहेंगे तूने हेलमेट क्यों नहीं किया, तो भाई वीडियो को पूरा देखो यार, तभी आपको पता चलेगा। तो नंबर 8 पे हमारी थी लेवल 3 की बेस्ट। तो भाई, बेस्ट अगर आपके पास लेवल 3 की बेस्ट है ना, तो आप सामने वाले बंदे को ईजिली फिनिश या फिर नॉक कर सकते हो। अगर आपके पास लेवल 1 की या फिर 2 की बेस्ट और सामने वाले के पास हो 3 की, तो आपकी मौज कर देगा भाई, ये बात भी ध्यान रखना। अगर वो आपकी मौज कर देगा क्योंकि भाई उसके पास लेवल 3 की बेस्ट है। बेस्ट का भी भाई बहुत फ़र्क पड़ता है, इसको भी यार ये भी अच्छी चीज़ है, उठा लिया करो। और नंबर 7 पे आता है हमारा लेवल 3 का हेलमेट। तो भाई, अगर आपके पास लेवल 3 का हेलमेट है और आप स्नाइपिंग करते हो, तो भाई सामने वाला बंदा आपको एक शॉट में आप उससे भाई नोक नहीं होने वाले से, इसके फ़ायदे हो जाता है आपको। तो ये भी भाई बहुत ही स्नाइपिंग वालों को तो बहुत ही ज़रूरत पड़ती है इसकी, और वैसे भी बंदे इसको उठा सकते हैं क्योंकि भाई शॉर्ट रेंज में बहुत से बंदे हेड पे अपना एम बनाते हैं, आजकल के बंदे प्रो बन चुके हैं। और भाई, नंबर 6 पे आता है हमारा भाई 8X स्कोप। अगर भाई यार 8X स्कोप आपको मिल जाए और आपके पास हो ओम या फिर M24, तो भाई आपको आपकी स्नाइपिंग में 4 चांद लग जाते हैं भाई साहब। अगर आपको नहीं इसकी तो रो भी अलग हो जाती है यार, अगर आपके पास ओम और 8X हो तो भाई नज़ारा कुछ और हो जाता है। तो नंबर 5 पे हमारा आ जाता है भाई टिक्का या फिर सिरिंज, इसको कुछ ही कह लो, सबकी सह लो, ये ऐसी चीज़ है भाई, इसका नाम तो भाई पता नहीं क्या है, हम तो इसको टिक्का बुलाते हैं। तो नंबर 5 पे आता है टिक्का। तो भाई, जब जब हम पबजी खेल रहे हैं या फिर पबजी वाले हमारे साथ खेल रहे हैं, तो भाई मुझे तो आज तक ये एरेंगल में या फिर वेरेंगा क्या नाम है यार उसको, उसमें मुझे आज तक नहीं ये मिला। तो फिर भी यार पता नहीं मैंने कैसे इस यहाँ इस लिस्ट में रख दिया, पर यार गोल्डन वुड में ये हमें ज़रूर मिल जाता है यार, गोल्डन वुड मैप में, तो उसमें तो भाई इजीली मिल जाता है हमें घर घर में वगैरह उतर दे मिल गया था भाई कई बार तो मुझे। तो नंबर 4 पे आती है हमारी भाई मेड किट यानी कंप्यूटर। तो भाई इसको भी कुछ ही कह लो, सबके सह लो, ऐसी चीज़ है भाई ये भी, पर ये भाई है बड़ी गजब चीज़ भाई, इसको अगर हम एक बार लगा लेते हैं तो हमारी हेल्थ भाई फुल यानी कि 100% हो जाती है हमारी हेल्थ। तो ये भी भाई बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको भी भाई ये भी इस लिस्ट में मैंने रखी है। और नंबर 3 पे आता है भाई गिली सूट। तो भाई गिली सूट भी एक अच्छी आइटम है, ये आपको मिलेगी भाई ड्रॉप के अंदर। तो भाई ड्रॉप में ही आपको ये मिलती है, वैसे तो ये भाई
इसको भाई इतने खास बंदे पहनते नहीं, क्योंकि भाई ये कैंपर के लिए होती है, कैंपिंग करते हैं जो बंदे, यानी कि घास में लेट के गुटखाधारी नागिन बन जाते हैं उनके लिए। तो वैसे आप भी इनको भाई इसको पहन सकते हो अगर आप कैंपिंग वगैरह करते हो तो। भाई नंबर 2 पे आती है हमारी भाई मेरी फेवरेट गन M24। तो भाई M24 भी भाई बहुत ही गजब जबरदस्त गन है भाई स्नाइपिंग में। भाई AWM के बाद यही गन है जो कि भाई गजब चलती है भाई। और भाई ये इसका भी लगभग डैमेज ओम से थोड़ा कम होगा, पर भाई अच्छी गन है यार। पर ये भाई इतनी आसानी से मिलती नहीं आपको एरेंगल में, भाई मिलती तो नहीं है यार, पर बहुत ही बहुत, अगर यार आपको आप इसको बहुत ही उससे ढूंढोगे तो आपको यार पक्का इसके दर्शन होंगे। तो नंबर 1 पे आती है हमारी फ्लेयर गन। तो भाई फ्लेयर गन एक ऐसी गन है जो कि भाई आपकी सारी लूट की कसर पूरी कर देगी, आपकी भाई सारी लूट पूरी हो जाएगी भाई अगर आपने उसको चला दिया, क्योंकि भाई उसके अंदर स्नाइपर भी आती है और भाई वेस्ट भी आती है, हेलमेट भी आ जाता है कई बार। तो वेस्ट तो भाई मुश्किल है पता नहीं मुझे, पर भाई हेलमेट तो आता है उसके अंदर, और एक स्नाइपर आती है और एक स्प्रे वाली यानी AR या फिर AR गन आती है उसके अंदर, तो RPG भी आ जाती है भाई कभी कभी तो। पर यार फ्लेयर गन भी एक नंबर 1 पे है, रेयर आइटम है, तो ये भी आपको भाई बहुत ही मुश्किल से मिलती है। वैसे तो भाई मिल ही जाती है ये आपको, कई बार तो उतरती ही मिल जाती है, इसकी भी कई लोकेशन है जहाँ पे पक्का मिलती है हर बार एक ना एक बंदे को। तो भाई ये भी अच्छी आइटम है यार। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक।